और मैं आज आपको चार एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, बेस्ट एक्सरसाइज जो लव हैंडल के लिए आप ये जरूर परफॉर्म करें और आप 15 डेज में इसका रिजल्ट देख सकते हो। और आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ये मैंने एक्सरसाइज परफॉर्म करके मैं बताने वाला हूँ, उस एक्सरसाइज में आप जो भी इंडिविजुअल एक्सरसाइज है उसके 20 रेपिटेशन लें इंडिविजुअली, आपके 15 डेज में ज़रूर लव हैंडल का रिजल्ट आएगा। आप ये बेस्ट एक्सरसाइज है और डाइट जरूर लें। तो आज के चैनल में मेरे इतना ही, मेरा चैनल आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। करने के लिए आपको एक कोई भी सपोर्टिव चीज़ ले सकते हो, जैसे ये पिलर है, मैं इस पिलर पे आपको परफॉर्म करके बताना चाहता हूँ। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वन ऑफ दिस। सेकंड में मैं आपको परफॉर्म करके बताने वाला हूँ सेमी पिलर की सपोर्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, चेस्ट आपको अपनी अप रखनी है और जो ये आपका लेग है, दोनों लेग्स को इस तरीके से आपको ढीला नहीं छोड़ना, थोड़ा सा इसको टाइट रखना और पूरा परफॉर्म करना है फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। दिस इज़ टू एक्सरसाइज। दो प्लेट्स लेनी है, वेट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। जैसे मेरी 10 kg है तो मैं 10 kg ले रहा हूँ, ये मैंने प्लेट्स ली है और ये मैंने इतना गैप लिया है। 1 2 1 2 1 2 1 आपको जो ये प्लेट लेकर जानी है वो अपनी नीचे नीचे लेकर जानी है, तो उससे आपका जो ये लव हैंडल है यहाँ पर ये प्रॉपर हिट होगा और ये जल्दी इफेक्टिव रहेगा। तो मैं फिर से करके बता रहा हूँ, 1 2 1 2 1। तो फोर्थ एक्सरसाइज वो मैं आपको परफॉर्म करके बताने वाला हूँ। एक आपको बेंच लेनी है, बेंच के साथ आपको इस तरीके से अपना एंगल बनाना है और बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए आपकी बॉडी के साथ और ये एल्बो को आपको नी तक ले जाना है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन चेंज। तो जो ये एक्सरसाइज है ये मैंने परफॉर्म करके बताई है आपको, ये सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है अपने लव हैंडल के लिए।